सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com, इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं, असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें रोड पे लाया जा रहा है, जो हमारा हक है, हम सब गरीब लोग हैं। मैं एडवोकेट आशा ठाकुर हूँ, ये सब गरीब है, सबको ये, हम अभी घर छोड़ के कहाँ रेंट पे रह रहे हैं, किसके पास पैसा है रेंट भरने के लिए। अभी हम लोग ने पत्र लगाया तो ऊपर वो भी सब निकल के लेके गया, लिफ्ट निकल के लेके गया, कि किसका परमिशन से लेके गया। 10-20 जन ने परमिशन दिया, बाकी 20 ने परमिशन दिया ही नहीं ना, तो कैसे लेके गया। ये भी लेके चला गया, वो भी हम लोन लेके खर्चा किया, बाहर काम चालू है, उसका भी लोन लेके खर्चा किया, उसका 15 लाख का सामान चोरी हो गया, चोरी हुआ क्या हुआ मालूम नहीं, सब लेके गए। वो लोग इधर से लॉक लगा दिया था, हमको सामान भी नहीं निकलने दे रहा था। आपने सुना कैसे धोखादायक इमारतों को निशाना बनाकर कैसे पूरी इमारत पर ही कब्जा किया जा रहा है। उल्लासनगर शहर में इन दिनों कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो चुके हैं जो महानगर पालिका की तरफ से घोषित की गई धोखादायक इमारतों को निशाना बनाते हुए इमारतों के फ्लैट ओनर्स को अपनी बातों में फंसाकर औने पौने दामों से उनके फ्लैट खरीद लेते हैं, और जो फ्लैट्स उनको नहीं बेचते क्योंकि उनको घर के बदले घर चाहिए, ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। उल्लासनगर कैंप 5, कुरला कैंप, लालसाई बंगलों के पास नटराज पैलेस इमारत है। इस इमारत में 40 फ्लैट्स हैं और यह इमारत महानगर पालिका की तरफ से धोखादायक इमारत कर घोषित करने के चलते खाली कराई गई है, जहां इमारत को निष्कासन को लेकर महापालिका की तरफ से इमारत को नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद अचानक से इमारत पर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं एक सील लगाकर। जो आप देख सकते हैं यह कोई महापालिका की सील नहीं दिख रही है, पर बनावटी सील दिखाकर इमारत के अंदर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाती है। अब इमारत वासियों का कहना है कि हमने इमारत को तोड़ने को लेकर ऐसी कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की है। कुछ लोगों ने पेपर्स पर सिग्नेचर किया है, और वहीं किन का यह भी कहना है कि मीटिंग के नाम पर हमसे सिग्नेचर ली गई थी, जिसे अब महापालिका में तोड़ू कार्रवाई करने को लेकर जमा किया गया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर इमारत वासी क्या बता रहे हैं। आपकी इमारत को कुछ तोड़ने के लिए कुछ कारपोरेशन की तरफ से बोला जा रहा है, क्या है पूरा मामला? यहाँ कारपोरेशन की तरफ से कुछ बोला नहीं गया है, यहाँ पे कुछ लैंड ग्रैबर्स ने कुछ हमारे फ्लैट होल्डर्स को मिसगाइड करके साइन लिया हुआ है, और कारपोरेशन ने बताया है कि हम खुद डिमोलिश करने के लिए तैयार है। कुछ लैंड ग्रैबर्स फ्लैट होल्डर्स का झूठा साइन भी किया हुआ है, और फास्ट डॉक्यूमेंट UMC में दाखिल भी किया हुआ है, जो साइन लिया गया था कि किसने मीटिंग अटेंड किया है। मगर वो इमारत का नाम क्या है, कहाँ पर है? हमारी बिल्डिंग का नाम है नटराज पैलेस, लालसाई बंगलों के पीछे, कुल्ला कैंप, उल्लासनगर 5 में है। हमारे 40 फ्लैट्स है इस पे। इसमें जो लेटर दिया गया है कारपोरेशन को, वो सिर्फ 20 जनों ने दिया हुआ है, उसमें भी 20 रियली में सिग्नेचर नहीं है। मैं क्लियर बोल सकती हूँ कि उसमें 20 जो सिग्नेचर है वो रियल सिग्नेचर नहीं है, उसमें भी धोखे से साइन लिया गया है कि मीटिंग को किसने अटेंड किया। और जो 20 जन है, हमारा ऑब्जेक्शन है बिल्डिंग डिमोलिशन के लिए, क्योंकि हमारी बिल्डिंग C2 में थी, जो वैकेट करके रिपेयर करा सकते थे, और हमने सब काम शुरू भी किया, हमारा 60% रिपेयर वर्क भी हो गया। अभी आप देख सकते हो, अभी तक वो रिपेयर वर्क चालू था, मगर पैसा नहीं होने की वजह से कंप्लेंट नहीं हुआ। हम खुद रिपेयर करना चाहते थे, मगर धोखे से, अभी आप देखोगे इतना धोखा हुआ है कि बाहर से उन्होंने ऐसे लॉक लगाया कि UMC ने सील किया, और सबको बताया कि UMC ने सील किया, जबकि वो UMC ने सील नहीं किया था। और सबको, हम फ्लैट होल्डर्स को
जो हम ओनर से हमको गुंडे बिठा के रखे थे बाहर बिल्डिंग के, और हम अभी अंदर नहीं जाने दिया गया। हमारा अंदर सामान भरा है, सामान खाली करने तक नहीं दिया और किसको इंटर करने दिया, और अंदर से बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे हैं, बाहर से लॉक लगा के रखा है। इतना धोखा हुआ है। हम फ्लैट होल्डर्स हैं, हमारा हक है, हमें हमारा फ्लैट चाहिए, फ्लैट के बदले फ्लैट चाहिए, हमारा हक है, वो हमारा शेल्टर हमें मिलना चाहिए। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो जिया ला रही है कि कोई भी जो फ्लैट ओनर है वो सेफ्टी से रह सके आगे चल के, किसका भी गन नहीं छीने, इसलिए वो रूल्स ला रही है। और लैंड ग्रैबर्स अभी से होशियार हो रहे हैं और लोगों की 1-2 लाख लेके दे के लोगों के फ्लैट छीन रहे हैं। तो आपने इस विषय पर कॉरपोरेशन के अधिकारियों से कोई मुलाकात की है? यस, हमें जब भी मालूम पड़ा कि हमारे बिल्डिंग के कुछ शेड निकल रहे हैं तभी हम फ्लैट में आए। फ्लैट में देखा कि अंदर से पूरा तोड़ा गया है। हम पुलिस के पास गए कि हमने साइन नहीं दिया है डिमोलिशन के लिए, कि अंदर से क्यों डिमोलिश हुआ और बाहर गुंडे बैठे हैं। हमारे बिल्डिंग का सामान निकाल के वो बेच के गए, पूरे ट्रक के ट्रक हमारे बिल्डिंग का सामान गया है। वो कौन थे जो हमारे बिल्डिंग का सामान चोरी करके गए? पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। पुलिस बोल रही है UMC में जाओ, UMC गए तो वहाँ से मालूम पड़ा कि कुछ फ्लैट होल्डर्स ने सिग्नेचर किया है मगर ये धोखे से साइन लिया गया है, वो क्योंकि कुछ लैंड ग्रैबर्स का हमारे लैंड पे नजर है। फ्लैट ओनर्स ने सिग्नेचर किया तो वो क्या चीज थी, किस वजह से उनसे सिग्नेचर लिया गया था? वो जो हमने देखा जो वो लिस्ट थी वो जस्ट लिस्ट थी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो लिस्ट में सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, फ्लैट के होल्डर्स के नाम लिखे हुए हैं, वो लिस्ट सेपरेट है। वो लिस्ट में सिग्नेचर 1-2 जन का मैं बता सकती हूँ कि सिग्नेचर ऐसे लिया हुआ है कि बेटी में कौन कौन प्रेजेंट है, ऐसे करके साइन लिया गया है, मगर वो मिसयूज किया हुआ है सिग्नेचर। यहाँ पे ही खड़े हैं जिन्होंने सिग्नेचर इसलिए किया कि हम बिल्डिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मगर वो मिसयूज किया गया है सिग्नेचर। अभी आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो लैंड ग्रैबर्स है उनसे उनको उनके हाथ में ये हमारी बिल्डिंग नहीं दिया जाना चाहिए डिमोलिश करने के लिए। हम खुद डिसीजन लेंगे, हम भी ओनर्स हैं, हम 20 जन हैं, हम ओनर्स हैं, हम डिसीजन लेंगे कि डिमोलिश करना है कि आगे रिपेयर करना है। हम ऐसे कोड़ियों के भाव में अपना फ्लैट नहीं देना चाहते, हमें फ्लैट के बदले फ्लैट चाहिए, वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। किसने आपके साथ धोखेबाजी की, आपको क्या लगता है? धोखेबाजी मैं अभी नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि अभी 1 लाख ले लो, अभी फ्लैट हमको सेल करो, 1 लाख लो, डिमोलिश होएगी तो 4 लाख देंगे, 5 लाख 6 महीने के बाद देंगे। हमने वो मंजूर नहीं किया, इसके लिए उसने ऐसे काम किया है। हमें रोड पे लाया जा रहा है, जो हमारा हक है, हम सब गरीब लोग हैं। मैं एडवोकेट आशा ठाकुर हूँ, ये सब गरीब है, सबको ये हम अभी घर छोड़ के कहाँ रेंट पे रह रहे हैं, किसके पास पैसा है रेंट भरने के लिए? मेरा जो सिग्नेचर है वो तो मेरा है ही नहीं, मेरा बेटा को मीटिंग में बुलाया था, मीटिंग अटेंड किया उसके लिए सिग्नेचर लिया हुआ है, और वो मेरा नहीं है, वो मेरा बेटा का है, वो सिग्नेचर उन लोगों ने उधर जमा किया है। ये कौन सा रूल है? हम लोग रास्ते में आ गए, हमारा घर छीन रहा है, हम लोग किधर जाए? कुछ तो भी गवर्नमेंट कुछ करे ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग इतना दिन से टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और काम भी चालू है, जब बिल्डिंग का इतना काम चालू है उसमें कैसे तोड़ने का काम आ गया? आपने ये इमारत कब खाली की थी? हमने अभी दो महीना हो गए हमारा घर पे, अभी नहीं थे हम लोग, उधर चले गए, मतलब मेरा जो घर लड़का है ना वो रहता था, वो मेरे साथ आया रहने के लिए, अभी तभी खाली किया। 2 महीना नहीं हुआ होगा, 1.5-2 महीना हुआ होगा। अभी आप क्या चाहते? हम घर चाहते बस, हमारा और कुछ नहीं चाहते, हम किधर जाए? हमारा जो जगह पे रूम बना है तो रूम दो ना हमको, फ्लैट के बदले फ्लैट दे दिए। अभी हम लोग ने पत्रा लगाया था ऊपर, वो भी सब निकल के लेके गया, लिफ्ट निकल के लेके गया, कि किसका परमिशन से लेके गया? 10-20 जन ने परमिशन दिया, बाकी 20 जन ने परमिशन दिया ही नहीं ना, तो कैसे लेके गया? ये भी लेके चला गया, वो भी हम लोन लेके खर्चा किया, बाहर काम चालू है उसका भी लोन लेके खर्चा किया, उसका 15 लाख का सामान चोरी हो गया, चोरी हुआ क्या हुआ मालूम नहीं, सब लेके गए वो लोग ही, इधर से लॉक लगा दिया था, हमको सामान भी नहीं निकलने दे रहा था। ये जो चोरी हुआ इसके लिए कोई पुलिस कंप्लेन किए क्या? पुलिस कंप्लेन नहीं किया, हम लोग गए थे तो कंप्लेन लिया नहीं। और दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया उसका भी पैसा देना, और जो कॉन्ट्रैक्टर हमने लगाया था काम चालू है ऑलरेडी उसका भी पैसा बाकी है, अभी 3 लाख वो भी भरना है। वहीं इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त गणेश सिंपी से भी जानने के लिए मिलने की कोशिश की गई, लेकिन सहायक आयुक्त गणेश सिंपी से मुलाकात नहीं हो पाई है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।